अब हम बात करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव की। तो फूड प्रिजर्वेटिव जो है ये माइक्रोबियल, जो माइक्रोबियल की ग्रोथ होती है उसको ये प्रिवेंट करता है। और पता है फूड प्रिजर्वेटिव के अंदर ये जो हम टेबल सॉल्ट का यूज़ करते हैं, शुगर का यूज़ करते हैं, वेजिटेबल ऑयल का यूज़ करते हैं, सोडियम, ये पहली बात तो ये है कि जो हम टेबल नमक मिला लेते हैं ना, शुगर मिला लेते हैं, वेजिटेबल ऑयल मिला लेते हैं, ये फूड प्रिजर्वेटिव है एक टाइप से। और क्या क्या होते हैं, तो और होता है हमारा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट ये भी नमक ही हो गया एक तरीके से। और होता है हमारा सॉर्बिक एसिड, और होता है प्रोपैनिक एसिड। तो सोडियम बेंजोएट ये याद रखना है, सोडियम बेंजोएट, सॉर्बिक एसिड और प्रोपैनिक एसिड। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लीनिंग एजेंट की। तो क्लीनिंग एजेंट में क्या होता है हमारा, इसमें हमारा सोप है। ठीक है, सबसे पहले क्या लगा देंगे हम क्लीन करने में, क्या नाम याद आएगा सोप का, सोप के अंदर क्या होता है, सोप के अंदर हमारा जो सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट होता है। ठीक है, और ये जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट। ठीक है, क्या इसका क्या करेंगे हम लोग, तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है ये। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जैसे कि स्टियरिक, ऑलिएक एंड पाल्मिटिक एसिड। ठीक है ना, क्या क्या हो जाएगा, स्टियरिक, ओके, स्टियरिक, ऑलिएक एंड पाल्मिटिक एसिड। स्टियरिक है, ऑलिएक है, पाल्मिटिक एसिड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पूनिफिकेशन, स्पूनिफिकेशन। तो ये स्पूनिफिकेशन क्या होता है, तो स्पूनिफिकेशन में क्या होता है, सोप कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट, जो सोप है जिसके अंदर क्या है, सोडियम सॉल्ट है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जो फैट होता है ना फैट, उसको हम लोग हीट करके बनाते हैं। ठीक है, विद किसके साथ हीट करेंगे, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। मैंने क्या बताया, स्पूनिफिकेशन में क्या होता है, जो सॉप जिसके अंदर सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है, तो सोडियम सॉल्ट को हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग फैट को हीट करेंगे, फैट को हीट करेंगे विद एक्वस सोडियम हाइड्रोजनेट सॉल्यूशन, एक्वस सोडियम हाइड्रोजनेट सॉल्यूशन। पूरीफिकेशन में क्या होता है, सोड हम लोग क्या करते हैं, फैट को प्लस सोडियम हाइड्रोजनेट सॉल्यूशन को हम लोग हीट करते हैं, उससे क्या निकलता है फिर हमारा, उससे हमारा सोडियम सॉल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना जो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड है ना वो यहाँ पे हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ये ईस्टर ऑफ फैटी एसिड है, जैसे ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, हमें यहाँ पे सोप ऑब्टेन होगी, और वो कैसी होगी, कोलोइडियल फॉर्म की। इसको अब ये कोलोइडल फॉर्म में मिली है, तो इसको हमें प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा, कोलोइड कोलोइड है ना, थोड़ा सा इसे हमें प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा। तो प्रेसिपिटेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग इसमें डाल देंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब क्या होता है, इसी के अंदर ना हम लोग थोड़ा सा ग्लिसरॉल भी मिलाते हैं, है ना। तो ग्लिसरॉल हम लोग कैसे मिलाएंगे, ग्लिसरॉल के ऊपर हम लोग लगा देंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके। अब देखो एक बात याद रखनी है कि सोडियम जो होता है हमारा और जो हमारा पोटेशियम होता है, सिर्फ ये दोनों सोप ही हमारी वाटर में सोल्यूबल होती हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सिर्फ ये दोनों ही हमारी वाटर में सोल्यूबल होती है, इसलिए हम इन्हीं दोनों को हम लोग क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक
ठीक है, एक बात ये याद रखनी है कि जो पोटेशियम वाली जो है ना, ये ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसलिए हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम टाइप्स की बात करते हैं। तो ऑल सोप्स आर मेड अप ऑफ बॉइलिंग। देखो सोप्स में क्या होता है ना कि जितनी भी हमारी सोप होती है ना, तो ये हमारी कैसे बनती है, ये हमारी फैट और ऑयल को बॉयल किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, फैट को ऑयल को बॉयल करते हैं। किसके साथ बॉयल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग फैट को और ऑयल को बॉयल करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, अब हम टॉयलेट सोप की बात करते हैं कि जो टॉयलेट सोप होती है ये कैसी होती है हमारी। तो टॉयलेट सोप में क्या होता है, हम लोग फैट एंड ऑयल का ही इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर से हम लोग जो अल्कलाई है ना, जो अल्कलाई है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग फैट एंड ऑयल को ही हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें से हम लोग अल्कलाई को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और जो सोप है जो फ्लोट करती है ना, जो तैरती है, उसको हम लोग कैसे, जो जो सोप फ्लोट करती है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, बाय बीटिंग एयर बबल्स, है ना। एयर बबल्स को पीट पीट के हम लोग बनाते हैं, तो बाय बीटिंग एयर बबल्स बिफोर हार्डनिंग, ठीक है। तो हार्ड होने से पहले हम लोग एयर बबल्स को पट 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 करके पीट पीट के बनाते हैं, ठीक है, बिफोर हार्डनिंग। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट सॉप्स। तो ट्रांसपेरेंट सोप है ना, तो ट्रांसपेरेंट सोप जो होती है वो हम कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन है, HCS का क्वेश्चन यही पूछा हुआ था, यही लाइन थी। तो ट्रांसपेरेंट सोप जो है वो हम बनाते हैं बाय डिजॉल्विंग, सोप को डिजॉल्व करते हैं हम लोग किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट सोप के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सोप को हमें डिजॉल्व करना पड़ता है किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, शेविंग सोप में क्या होता है भाई, शेविंग की बात है ना यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, ग्लिसरॉल होता है। शेविंग सोप के अंदर क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। और हम लेदर के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम लोग लेदर के लिए क्या यूज़ करते हैं, सोडियम रोजिनेट, ठीक है। शेविंग सोप में क्या यूज़ होता है, ग्लिसरॉल यूज़ होता है। लेदर में क्या यूज़ होता है, सोडियम रोजिनेट, लेदर है ना, लेदर सोडियम रोजिनेट। सोचो कि लेदर के ऊपर रोज़ बिछा रखे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं लॉन्ड्री की। तो लॉन्ड्री वाली शॉप में क्या होता है, तो लॉन्ड्री वाली शॉप में हमारा फिर से सोडियम सोडियम रोजिनेट होता है, सोडियम रोजिनेट होता है, सोडियम सिलिकेट होता है ना, सोडियम कार्बोनेट होता है एंड बोरेक्स होता है, ठीक है। क्या क्या होता है हमारा यहाँ पे, तो सोडियम रोजिनेट होता है, सोडियम सिलिकेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है और बोरेक्स होता है। सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट और बोरेक्स होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सोप चिप की, हम बात करते हैं। तो सोप चिप में क्या होता है ना कि जैसे कि जो थिन थिन शीट होती है, तो सोप चिप में क्या होता है कि जैसे कि जो थिन शीट होती, सोप चिप क्या होती है यार, ये वो सोप चिप इस तरीके की है ना, ये जो हम एक एक 10 रुपए में मिलती है वो निकाल के हम लोग एक एक बार यूज़ करके फिर फेंक देते हैं, वो वाली चीज़ है ये, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हमारा क्या होता है, थिन शीट ऑफ मेल्टेड सोप ऑन टू कूल सिलेंडर, ठीक है। सोप चिप में क्या होता है, थिन शीट ऑफ मेल्टेड सोप ऑन टू कूल सिलेंडर, थिन शीट ऑफ
मेल्टेड सोप इन ऑन टू कूल सिलेंडर। कूल सिलेंडर के ऊपर हम लोग कूल कूल ठंडा ठंडा होती ठंडी ठंडी होती है ना वो एकदम, तो कूल सिलेंडर के ऊपर ये थिन शीट होती है, मेल्टेड सोप है, मेल्टेड मतलब मेल्टेड फॉर्म में पड़ी हुई है, ठीक है, उसको हम लोग कूल सिलेंडर के ऊपर और ऐसे रख देंगे, चिपका देंगे, इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। सोप पाउडर की हम बात करते हैं, तो ये हमारा सोप पाउडर कैसे काम करता है, तो सोप पाउडर में क्या होता है, सोप पाउडर एंड स्कूरिंग शॉप, इसमें क्या होता है हमारा सोप पाउडर एंड स्कूरिंग शॉप के अंदर क्या होता है, इसमें हमारा होता है प्यूमाइस, ठीक है, एंड सोप पाउडर एंड स्कोरिंग शॉप में हमारा होता है प्यूमाइस एंड बिल्डर लाइक सोडियम कार्बोनेट एंड ट्राई सोडियम फॉस्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड ट्राई सोडियम फॉस्फेट, ठीक है ना। तो सोप पाउडर जब हम बात करते हैं कि सोप पाउडर एंड स्कोरिंग शॉप, इसके अंदर हमारा क्या होता है, प्यूमाइस होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और ट्राई सोडियम फॉस्फेट, ठीक है। सोप पाउडर स्कोरिंग शॉप में क्या होता है हमारा, प्यूमाइस होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है और ट्राई सोडियम फॉस्फेट होता है, ठीक है। देखो जो ये बिल्डर होते हैं ना, बिल्डर, ये बिल्डर का नाम क्यों लिखा है यहाँ पे, ये जो बिल्डर होते हैं ये सोप को मेक सोप को ना एक्ट करने में जल्दी जल्दी रैपिडली एक्ट करवाते हैं। बिल्डर का काम क्या होता है, सोप से जल्दी जल्दी एक्ट करवाते हैं, ठीक है। देखो एक बात याद रखनी है कि जो सोप है ना वो हार्ड वाटर में काम नहीं करेगी कभी भी, अगर हार्ड वाटर है उसके अंदर फिर आपकी सोप काम नहीं करेगी, ठीक है। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है, क्या होता है इसमें, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है, और इसके इस वजह से हमारी जो सोप है वो हमारी इनसॉल्युबल हो जाती है, ओके, इनसॉल्युबल हो जाती है, ठीक है। और इनसॉल्युबल होने के बाद ये सेपरेट हो जाती है, कैसे सेपरेट हो जाएगी, तो ये सेपरेट हो जाती है एज स्कम, ठीक है, और फिर ये गमी गमी सी हो जाती है, स्कम बन जाता है, गमी बन जाती है, ठीक है। और अगर हम हार्ड वाटर के अंदर, अगर हम हार्ड वाटर के अंदर अगर हम अपने अपने सर को धो लेते हैं, कई बार देखा है ना कि हार्ड वाटर के अंदर सर धो लिया है तो इतना डल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गंदा पानी, गंदा हो जाएगा, और वो उससे डल हो जाएगा तो वो कैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा स्टिकी लगेगा, ठीक है। और हार्ड वाटर के अंदर जो हमारी डाई है ना, डाई जो हम यूज़ करते हैं, वो भी प्रॉपरली काम नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट की, सिंथेटिक डिटर्जेंट, ठीक है। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट में क्या होता है, देखो इसके अंदर ना, देखो इसके पास ना सारी की सारी प्रॉपर्टी होती है, हैव ऑल प्रॉपर्टी ऑफ सोप, सोप की सारी इसके पास प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसके अंदर सोप नहीं होती, डज नॉट कंटेन सोप। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी होती है सोप की, लेकिन इसके अंदर कोई भी सोप नहीं होती, और इसको इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग हार्ड में और इसको सॉफ्ट, हार्ड हो चाहे सॉफ्ट हो, दोनों पानी के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग आइस वाटर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट की, तो देखो सिंथेटिक डिटर्जेंट जो है ना हमारा, वो हमारा तीन टाइप का होता है। तो पहला हमारा होता है आयोनिक, है ना, तो आयोनिक में क्या होता है हमारा, आयोनिक डिटर्जेंट, इसमें हमारा क्या होता है, सोडियम्स, आयोनिक डिटर्जेंट में क्या होता है हमारा, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड, ठीक है। एनायनिक में क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, सोडियम, देखो डिटर्जेंट में क्या आ गए, उसमें थे फैटी एसिड थे, है ना, मतलब फैटी ऑयल और फैटी थे, यहाँ पे क्या आ गए हमारे, हाइड्रोकार्बन आ गए हैं। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस सल्फोनिक एसिड,
ठीक है ना। तो क्या क्या है आयरन डिटर्जेंट के अंदर? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सल्फोनेटेड एसिड। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इसका इस्तेमाल होता है हाउस होल्ड के काम के अंदर इस्तेमाल होता है एंड हमारे टूथपेस्ट में यूज़ होता है। तो एनायनिक डिटर्जेंट हमारा कहाँ होता है? ये हमारा टूथपेस्ट में काम आता है। टूथपेस्ट में हमारा क्या होता है? सल्फोनिक एसिड होता है और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है जी। सेकेंड हम लोग बात करते हैं कैटायनिक डिटर्जेंट की, हम बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा कैटायनिक के अंदर? इसमें हमारा अमोनियम सॉल्ट होता है, ठीक है। कैटायनिक में क्या होता है हमारा? अमोनियम सॉल्ट ऑफ एमिनोज एमाइंस सॉरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ कैटायनिक में क्या होता है? कैटायनिक में क्या होता है हमारा? अमोनियम सॉल्ट ऑफ एमाइंस, अमोनियम सॉल्ट ऑफ एमाइंस, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें ना जो नाइट्रोजन एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। तो कैटायनिक के अंदर हमने क्या देखा, याद रखना है कैटायनिक के अंदर क्या होता है? अमोनियम सॉल्ट ऑफ एमाइंस होता है एंड पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें नाइट्रोजन एटम के ऊपर, ठीक है। अब कैटायनिक डिटर्जेंट की हम बात करते हैं तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं पहला टील ट्राई मिथाइल एमोनियम, ठीक है। कैटिल ट्राई मिथाइल एमोनियम, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन था और उसके आगे ये ऑप्शन था क्या ये कैटायनिक डिटर्जेंट है या क्या चीज़ है, ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पे यूज होता है? ये जो कैटाइल मिथाइल एमोनियम है ये हमारा हेयर हेयर कंडीशनर में यूज़ होता है, ठीक है। तो कैटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम हमारा हेयर कंडीशनर में यूज़ होता है, ठीक है। देखो हेयर कंडीशनर के अंदर क्या है ना, इसमें हमारी जर्मिसाइड की प्रॉपर्टी होती है, याद रखना है, ठीक है। इसीलिए ये एक्सपेंसिव होता है, ये हमारे जर्म्स को भी किल करता है, सर के अंदर जो जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं ना जो भी है उसको भी किल करता है, ठीक है। तो जर्मिसाइड भी है ये एक तरीके से, ठीक है। तो सेकेंड हमने कर लिया, अब थर्ड पर हम चलते हैं। तो थर्ड है हमारा नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। इसमें हमारा क्या होता है? इसमें हमारा होता है स्टीयरिक एसिड एंड पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। ओके तो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट में क्या होता है हमारा? स्टेरिक एसिड होता है। नॉन आयोनिक डिटर्जेंट में क्या होता है? स्टेरिक एसिड एंड पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे काम करता है भाई? तो ये नॉन आयोनिक वाला हमारा कहाँ पे? स्टेरिक एसिड और पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये हमारा जो ये हम लोग डिश वॉश करते हैं ना, लिक्विड डिश वॉशिंग में ये काम करता है, ठीक है। और इसका जो मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म कैसा है? सेम एज सोप, ठीक है। तो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट जो है हमारा वो हमारा स्टीयरिक एसिड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल में काम करता है और इसका एग्जांपल है लिक्विड डिश वॉशिंग। मैकेनिज्म इसका सेम सोप जैसा है, ठीक है। सेम सोप जैसा है, कैसा सोप जैसा है? ये भी सोप की तरह रिमूव करता है ग्रीस को एंड ऑयल को, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये नॉन आयोनिक डिटर्जेंट बड़ा खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? जो हम लोग बर्तन बर्तन साफ करते हैं ये बहुत ही खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो हाईली ब्रांच्ड होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इससे बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया हाइड्रोकार्बन चेन जो है इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो डिग्रेड नहीं कर पाते, बैक्टीरिया कांट डिग्रेड। इससे क्या हो जाता है? जब हम लोग पॉल्यूशन रिवर के अंदर जब हम लोग पॉल्यूशन ट्रीटमेंट कर लेते हैं, है ना, उसके बाद भी ये क्या करते रहते हैं? फॉर्म बनाते रहते हैं, उसके बाद ये फॉर्म बनाते रहते हैं, ठीक है।
तो हमें ये याद रखना है कि अगर हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो ब्रांच्ड है तो बड़ी ही खतरनाक है, अगर वो अनब्रांच्ड है तो वो इजीली डिग्रेड हो जाएगी, डिग्रेड इजीली, ठीक है।